स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास सिक्स जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था और आपके इस बुक के बाकी के जो चैप्टर्स हैं चाहे SST में वो जियोग्राफी के हो या फिर हिस्ट्री के हो सारे हमने कंप्लीट करवाए हैं। आपको अगर किसी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में चैनल को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए सर्टेन इमेजिनरी शेप इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंस्टेलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, कंस्टेलेशन। नेक्स्ट है द गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर नोन एज, ठीक है, मतलब हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे इसके सबसे पास में है, ठीक है, एंड्रोमेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मार्स, ठीक है, मार्स के लिए इनमें से कौन ट्रू नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये ट्रू नहीं है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन के सबसे पास ये मार्स है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेनेट रिंग्स अराउंड देम आर, ठीक है, तो मतलब जिसके अराउंड रिंग है ऐसा प्लेनेट कौन सा है, ठीक है, तो सैटर्न और जुपिटर ऐसे प्लेनेट हैं, ठीक है, ठीके? जो कि हमारे आउटर प्लेनेट हैं तो इनके पास रिंग्स है, इनर प्लेनेट के पास रिंग्स नहीं होती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टर्म्स, तो इसमें आएगा इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नेम है मिल्की वे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट, ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि अर्थ का जो मोस्टली पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 द प्लेनेट मूव अराउंड द सन, ठीक है, जो सन के अराउंड मूव होते हैं प्लेनेट, ठीक है, वो कौन से पथ में होते हैं, तो राइट आंसर है आपका इलिप्टिकल। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, एस्ट्रॉइड जो होते हैं मार्स और जुपिटर के बिटवीन पाए जाते हैं क्योंकि मार्स और जुपिटर के बिटवीन एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, उस एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो है एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। सप्तर्षि बिग डिपर को, सप्तर्षि और बिग डिपर, ठीक है, दोनों ही ओरसा मेजर के पार्ट हैं, ठीक है। आगे हम देखना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नोन है सप्तर्षि, तो हमें अभी जस्ट ऊपर देखा है ओरसा मेजर, ठीक है, तो इसका आंसर भी ओरसा मेजर है, ओरसा मेजर को सप्तर्षि कहते हैं। विच ड्वार्फ प्लेनेट वाज प्रीवियसली 9th प्लेनेट, ठीक है, तो प्लूटो, प्लूटो पहले क्या था, एक प्लेनेट था लेकिन बाद में जो है IAU के द्वारा प्लूटो को प्लेनेट कैटेगरी से हटा दिया गया है, इसलिए अब 9 की जगह 8 प्लेनेट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के टू फीचर्स को एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर नीचे यहाँ पर मैंने राइट किया है। यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन टच फील सेंस मेजर और डिटेक्ट, मतलब जो भी हम कुछ देखते हैं जिसे टच करते हैं फील करते हैं ये सब यूनिवर्स है, यूनिवर्स के पार्ट हैं। इट इंक्लूड लिविंग थिंग्स, यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स प्लैनेट्स स्टार्स गैलेक्सीज डस्ट क्लाउड्स, ठीक है, लाइट इवन एंड इवन टाइम, सब चीज़ें जो है हमारे यूनिवर्स में ही इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द सोलर सिस्टम, नेम द कंपोनेंट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट, मतलब सोलर सिस्टम में सन आता है और एवरीथिंग आता है जो कि इसकी ऑर्बिट्स में होते हैं, मतलब सोलर सिस्टम की ऑर्बिट में होते हैं, ऑर्बिट मीन्स इसकी चारों ओर, मतलब इसकी क्लासेज में होते हैं, ठीक है, और जो उसके चारों ओर ट्रैवल करते हैं वो सारे ही सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। दिस इंक्लूड 8 प्लेनेट, अब जो उसके चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं उनमें 8 तो प्लेनेट हैं, ठीक है, और 8 प्लेनेट के मून्स, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट्स जैसे प्लूटो है एंड काउंटेंस एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, बेल्ट, ठीक है, तो उसमें एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है सन की फैमिली के ही पार्ट हैं, मतलब सन सोलर सिस्टम के ही कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन व्हाई इज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लेनेट, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स, मतलब अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्थ इज यूनिक प्लेनेट बिकॉज ऑफ कंडीशन फेवरेबल फॉर
टू द सपोर्टिंग लाइफ, मतलब अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस ऑलरेडी हैं, मतलब लिविंग थिंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और लिविंग थिंग्स यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है, उनके सपोर्टिव सारी चीज़ें अर्थ पर हैं। सो अर्थ को हम यूनिक प्लेनेट कहते हैं सोलर सिस्टम का, ठीक है। द अर्थ इज़ नाइदर हॉट और नॉर टू कोल्ड, ना तो अर्थ ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा मतलब कोल्ड है, ठीक है। एक मीडियम एटमॉस्फेयर है जिसमें कि लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थ पे वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब लिविंग थिंग्स को या फिर हम लाइफ को सपोर्टिव जो प्लेनेट है वो अर्थ के अलावा और बाकी के कोई भी प्लेनेट नहीं है, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक तो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट देखते हैं। इनर प्लेनेट आर दोज विच आर स्मॉल इन साइज, मतलब इनर प्लेनेट वो होते हैं जो कि साइज में स्मॉल होते हैं, है ना, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये सारे इनर प्लेनेट है, ठीक है। और इनके आगे जो प्लेनेट होते हैं, ठीक है, इनर प्लेनेट के आगे जो प्लेनेट होते हैं वो आउटर प्लेनेट होते हैं, और ये साइज में क्या होते हैं, ह्यूज होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएट एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स में, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉलर देन प्लेनेट, मतलब प्लेनेट से जो छोटे होते हैं वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये भी रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, बट दे आर लार्जर देन द पीपल्स साइज ऑब्जेक्ट वी कैन मीटेरॉइड्स, ठीक है। मीटेरॉइड जो होते हैं वो एक तरह से एस्ट्रॉइड से लार्जर होते हैं, ठीक है। थर्ड जो डिफरेंशिएट है हमारा वो है प्लेनेट एंड द स्टार्स में, ठीक है। तो प्लेनेट और स्टार्स में डिफरेंस ये रहा, स्टार्स हैव इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, मतलब स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट को ही इमिट करते हैं, जबकि प्लेनेट के पास, ठीक है, कोई अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। और सेकंड जो डिफरेंस है वो है कि द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, ठीक है, रिमेंस कॉन्स्टेंट, मतलब स्टार्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, बट प्लेनेट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती है, ठीक है, वो जो चेंज होती है, ठीक है, विद टाइम, मतलब टाइम के साथ में चेंज होती है। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, मतलब चमचमाते हैं, जबकि प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, मतलब प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। तो और फोर्थ जो डिफरेंस है वो है कि स्टार्स का नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा है, जबकि प्लेनेट, ठीक है, उसका नंबर बहुत ही कम है, जो कि फिक्स भी है, वो है ओनली 8, मतलब हमारे पास सिर्फ ओनली 8 प्लेनेट है, जबकि स्टार्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मैनमेड सैटेलाइट, ठीक है, मैनमेड सैटेलाइट से आपका क्या मतलब है, और व्हाट इज़ द व्हाट आर दे इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, मतलब जो मैनमेड सैटेलाइट है वो ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन की जाती है और उनके द्वारा लॉन्च की जाती है यूनिवर्स में, ठीक है, ताकि हम यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एक तरह से प्राप्त कर सकें और वहाँ के और कम्युनिकेशन कर सकें। इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट, मतलब एंड प्लेस इन ऑर्बिट, मतलब इसको रॉकेट के द्वारा कैरी किया जाता है और अर्थ के ऑर्बिट में या फिर इसको एक तरह से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इंडियन स्पेस सैटेलाइट आर जैसे इनसेट है, ठीक है, IRS है, ये कुछ एग्जांपल्स है सैटेलाइट के। आगे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द गैलेक्सीज एंड डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मिल्की वेज, ठीक है, गैलेक्सीज को यहाँ पर एक्सप्रेस करना है और मिल्की वेज को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका, ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैसेज एंड डस्ट, ठीक है, गैलेक्सी जो है वो डस्ट और गैसेज का ह्यूज कलेक्शन है, एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, मतलब सोलर सिस्टम जो है हमारा वो गैलेक्सी के अंदर है, कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वेज, ठीक है। ए गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी, मतलब गैलेक्सी जो है अपने आप में ग्रेविटी के द्वारा ही होल्ड है। आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वेज, आल्सो हैज ए सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द मिडिल, मतलब जो मिल्की वेज है उसके अंदर एक ब्लैक होल है मिडिल में, ठीक है। व्हेन यू लुक अप एट स्टार्स इन द नाइट स्काई यू आर सीइंग अदर स्टार्स इन मिल्की वेज, मतलब मिल्की वेज में काफ़ी सारे स्टार्स जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। आगे देख रहे हैं हम हॉट्स
हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स के क्वेश्चन है, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाई आर सम प्लैनेट मेड ऑफ रॉक्स बट सम प्लैनेट मेड ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब कुछ प्लैनेट होते हैं जो रॉक से बने होते हैं और कुछ प्लैनेट होते हैं जो गैस से बने होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो इनर प्लैनेट होते हैं ना, वो सन के बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं, सो हीट फ्रॉम द सन एवोपोरेट द गैसेज, मतलब सन की जो हीट होती है ठीक है वो गैसेज को एवोपोरेट करती है एंड फॉर्म्स रॉक्स, और वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो इनर प्लेनेट होते हैं वो मेनली रॉकी होते हैं, बट अदर प्लेनेट होते हैं ठीक है, मतलब जो आउटर प्लेनेट होते हैं ठीक है, उनकी इंटेंसिटी जो होती है ठीक है, मतलब उनकी जो हीट एक तरह से वहाँ पर कम पहुँचती है, सो वहाँ पर वो जो होते हैं वो एक तरह से गैसियस प्लेनेट होते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट, मतलब स्टार्स जो होते हैं रात में एक तरह से ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे क्यों होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है द स्टार्स सीम टू बी ट्विंकल इन द नाइट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, मतलब अर्थ के एटमोसफेयर के कारण जो है हमें ट्विंकल होते दिखाई देते हैं, क्योंकि व्हेन बॉडी स्टेट एंटर्स द एटमोसफेयर इट अफेक्टेड बाय द विंड एंड एटमोसफेयर। ठीक है, मतलब ट्विंकल्स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी विंड्स होती है ठीक है, और भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसेज होती हैं, उनके द्वारा हमें ये जो स्टार्स है ट्विंकल फॉर्म में दिखाई देते हैं, अदरवाइज स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, उसकी स्टार्स की खुद की ओवन लाइट होती है, बट ठीक है अपने ओवन लाइट में ही इमिट होते हैं। तो सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें, मैं आपसे यही चाहता हूं, और इस वीडियो को एक स्टार मतलब एक लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।